मैं हूँ आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नतीजों के साथ। HDFC बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे रहे अनुमान के मुताबिक। बैंक की NII में 24% की बढ़ोतरी देखने को मिली, वहीं एसेट क्वालिटी भी स्थिर रही। नतीजों को और डिटेल से जान लेते हैं हर्ष से। हर्ष बताइए। जी, सो पहले हम देखते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम कैसा रहा है। अब हम वर्क कर रहे थे 22,500 करोड़ के नंबर के साथ, अब वो नंबर 23,000 करोड़ के बहुत करीब है, ऑलमोस्ट 12 करोड़ लेस है। और 22,988 करोड़ पे वो पर्टिकुलर नंबर एक काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, जब मैं देखूं दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस से। इस पे शायद से थोड़ा डाइल्यूशन हो सकता है क्योंकि डिपॉजिट डेज और जो डिपॉजिट का जो रेट्स है वो बड़े हैं ये पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो आगे जाके ये नंबर शायद से इतना अच्छा ग्रोथ ना बताए। बट करंटली 9.5% पे काफी सॉलिड नंबर बताया है, 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बताया। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो ओपेक्स काफी हाई रहा है, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे थोड़ा डेंट आया है, 13.5% ग्रोथ फिर भी काफी हेल्दी रहा है और हमारे एक्सपेक्टेशंस के जस्ट करीब है। जब हम प्रोविजंस के नंबर देखें तो प्रोविजंस का नंबर स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड आया है 2800 करोड़ पे, और उसके वजह से पैट हमारे नंबर के एग्जैक्ट पे एग्जैक्ट हिट हुआ है 12,260 करोड़ पे, वो पर्टिकुलर नंबर 18.5% ग्रोथ एक सॉलिड ग्रोथ बताया है। NPAs काफी फ्लैट रहे हैं और ओवरऑल एक काफी स्टेबल सेट, काफी स्टेबल क्वार्टर रहा है HDFC बैंक से ये पर्टिकुलर Q3 FY22 में। आप डिपॉजिट्स और एडवांसेस की बात करें, दोनों 20% पे काफी अच्छा ग्रोथ बताया है, जो कि ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुका है एट द स्टार्ट ऑफ दिस मंथ, जनवरी के स्टार्ट में। और कासा ग्रोथ 12% पे रहा है, वो भी एक काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है ओवरऑल। तो लार्जली एकदम स्टेबल क्वार्टर HDFC बैंक ने डिलीवर किया है ये पर्टिकुलर Q3 FY23 में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन जीओजी फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह के मुताबिक HDFC बैंक के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। उन्होंने कहा कि अब नजर HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के मर्जर को लेकर से जुड़ी कॉमेंट्री पर होगी। आइए आपको सुनवा देते उन्होंने और क्या कहा। हमारा भी जो अनुमान था उससे बेहतरी आंकड़े आए, और अगर आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर के कुछ मैनेजमेंट ने टिप्पणियां करी थी एडवांसेस और डिपॉजिट्स को लेकर के, कासा रेशियो को लेकर के, हमारी भी यही उम्मीद थी कि आने वाले समय में बेहतर आएंगे आंकड़े वित्तीय क्षेत्र के, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और HDFC बैंक का एक इतिहास रहा है निरंतर बेहतर आंकड़े लेकर आकर के, जो लंबी अवधि के निवेशक है उनकी पूंजी में अच्छे से वृद्धि आते हुए देखी है। देखिए, ये तो पता है कि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का विलय होने वाला है, और विलय के पश्चात हमारा अनुमान यह है कि ये जो बैलेंस शीट बनेगी वो सबसे मजबूत बैलेंस शीट वित्तीय क्षेत्र में, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में होगी। एवेन्यूज किस तरीके से खुलेंगे मर्जर के बाद और क्या कारोबार की रणनीति होगी उसके ऊपर टिप्पणी मेरे ख्याल से सुनना बहुत जरूरी होगा। लेकिन एक डिस्क्लोजर देना चाहेंगे हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक पर, तो काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय है HDFC बैंक लिमिटेड पर, और ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, और मुझे लग रहा है कि पोस्ट मर्जर ऑल्सो एक बेहतरीन कारोबार खड़ा होने की संभावना है। चलिए, ये तो बात हुई HDFC बैंक के नतीजों की। लेकिन इस बीच एक और नंबर एवेन्यू सुपरमार्ट्स के भी तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित हुए, जिसमें कि कंपनी की आय अनुमान के मुताबिक रही लेकिन मुनाफा और मार्जिन उम्मीद के मुताबिक रहे। रेवेन्यू पर में 24% की ग्रोथ और मुनाफे में अगर देखें तो करीब 9.4% की ग्रोथ इस तिमाही देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 12% की ग्रोथ रही और मार्जिन 9.6% से घटकर 8.6% रहे हैं। नतीजे कैसे रहे ये जानने के लिए चलते हैं विनी के पास। विनी बताइए। तो ओवरऑल एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर्स देखें तो ओवरऑल इतने अच्छे नंबर्स नहीं आए हुए ये टाइम एवेन्यू सुपरमार्ट से। यस, रेवेन्यू जो है इनलाइन एक्सपेक्टेशन से है, क्योंकि उनकी Q3 ऑपरेशनल अपडेट ऑलरेडी आ जाती है, तो रेवेन्यू आया है 11,305 करोड़ पे, जो है अराउंड 24.7% की ग्रोथ। पर प्रॉफिट और इबिटा मार्जिन है वहाँ पर मिस आया है ओवरऑल अर्निंग्स में, तो प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है सिर्फ 9.4% से, और जो इबिटा मार्जिन है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुई है 100 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ
40 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन पर आया हुआ है 100 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन। तो ओवरऑल मार्जिन आए हुए हैं 8.6% पे वर्सेज लास्ट ईयर थे 9.6% की मार्जिन। तो ये एक बड़ा मिस आया है वहाँ पे, क्योंकि क्या हुआ है, इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर थे वो काफ़ी बढ़ चुके थे, स्पेशली डिस्क्रिशनरी साइड के जो लो प्राइस प्रोडक्ट होते हैं, जहाँ पे कम वैल्यू की प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा लगता है, और उसकी वजह से यह प्रेशर मेनली मार्जिन्स पे भी आया हुआ है। ग्रॉस मार्जिन्स भी देखें तो कंपनी ने हाईलाइट किया हुआ है कि ग्रॉस मार्जिन्स की परसेंटेज डिक्लाइन भी हुई है, क्योंकि वहाँ पे चेंज इन मिक्स भी हुई है। तो FMCG की जो सेल्स होती है, डिस्क्रिशनरी सेल्स होती है, वहाँ पे सब जो उनकी सेगमेंट की मिक्स हुई है तो वो चेंज हो चुके हैं, तो उसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन्स में भी डिक्लाइन दिख रही है। और ऑब्वियसली इंटर्न प्रॉफिट्स में भी डिक्लाइन, तो हमने कम प्रॉफिट दिखा हुआ है, जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम प्रॉफिट दिखा हुआ है। तो यस, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो कॉमेंट्री में आई हुई है कि डिस्क्रिशनरी नॉन FMCG की जो सेल्स है, बिक्री है, वो है थोड़ी कम आई है, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी कम आई है, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आई हुई है। पर जो मर्चेंडाइज, जनरल मर्चेंडाइज सेगमेंट देखे, अपैरल सेगमेंट देखे, उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखा, इतनी अच्छी सेल्स नहीं देखे जितना सेल्स FMCG और स्टेपल्स में देखा। तो FMCG और स्टेपल्स की सेल्स नॉर्मल थी, पर उसके अलावा जनरल मर्चेंडाइज, अपैरल सेगमेंट, डिस्क्रिशनरी सेगमेंट, वहाँ पे थोड़ी वीकनेस दिखी है, और इसकी वजह से ओवरऑल नंबर्स भी इतने अच्छे नहीं है Q3 में। इस बीच IT सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में से एक विप्रो के तिमाही नतीजे भी आए और अनुमान से बेहतर नतीजे देखने को मिले हैं। नतीजों की और डिटेल्स समझ लेते हैं। अशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रिजल्ट्स लेकर। अशीषा बताइए, विप्रो के नंबर्स कैसे रहे? जी हाँ, नतीजे प्राइमर फेसी एक्सपेक्टेशन से अच्छे दिख रहे हैं, मार्जिन्स में अच्छा खासा बीट देखने को मिला है एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करें तो, लेकिन Q4 की गाइडेंस म्यूटेड नज़र आ रही है। कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो 6.6% पे आया है इस क्वार्टर में, वर्सेस एक्सपेक्टेशन हमारी 0.9% की थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3.1% का ग्रोथ देखने को मिला रेवेन्यू फ्रंट पर। IT सर्विसेज ऑपरेटिंग मार्जिन इस क्वार्टर में 16.3% पे आया है। याद रखें, मार्जिन 16.3% पे आया है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन 15.2% थी, जिसका मतलब ये होता है कि मार्जिन हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे आए हैं। एट्रिशन की बात कर लेते हैं, अक्रॉस द सेक्टर एट्रिशन कम होता हुआ नजर आ रहा है। वॉलेंट्री एट्रिशन विप्रो के लिए इस क्वार्टर में 21.3% पे था, वर्सेस 23% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। इसके बाद लार्ज डील विंस की बात कर लेते हैं। कंपनी ने $4.3 बिलियन की रिकॉर्ड बुकिंग्स रजिस्टर की है इस क्वार्टर में, जो 26% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिला है। इसके बाद गाइडेंस की भी बात कर लेते हैं। कंपनी ने FY23 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस 11.5% से 12% की दी है कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म में, जिसका मतलब ये होता है कि Q4 में -0.6% से 1% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पर। सो ऑल इन ऑल नतीजे एक्सपेक्टेशन से अच्छे रहे हैं, मार्जिन में बीट देखने को मिला है वर्सेज एक्सपेक्टेशन, लेकिन गाइडेंस Q4 के लिए म्यूटेड नजर आ रही है। और कोल ब्लॉक नीलामी में हिस्सा ले रही कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने बोली की तारीख 30 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है, साथ ही बोली जीतने वाली कंपनियों को परफॉर्मेंस बैंक गारंटी नियमों में भी ढील दी है। पूरी डिटेल्स के साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश बताइए। देखिए, सरकार ने कमर्शियल कोल माइनिंग के तहत जो 6 ट्रांच का बिडिंग प्रोसेस है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी थी और उसके लिए बिड वाइट किया था, जिसकी आखिरी तारीख 13 जनवरी 2023 थी। लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से इस बात की बार बार सिफारिशें आ रही थी कि जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव किया जाए, कुछ और इंसेंटिव दिए जाए जो सक्सेसफुल बिडर्स हैं, ताकि माइनिंग को और अट्रैक्टिव बना दिया जाए। इंडस्ट्री की तरफ से जो रिकमेंडेशंस आए उस पर कोल मिनिस्ट्री ने डिस्कशन किया और अब एक नया फैसला आया है, जिसमें इस बात की राहत दी गई है कि जो सक्सेसफुल बिडर्स हैं, अगर उनको कोई ब्लॉक हासिल हो जाता है तो उसके लिए जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का रिवीजन होता है उसकी प्रक्रिया में बदलाव होगा। मौजूदा नियम यह है कि किसी कंपनी को अगर कोई कोल ब्लॉक मिल गया है तो हर साल अप्रैल महीने में परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का रिवीजन किया जाता है। लेकिन दिक्कत यह आ रही थी कि पिछले कुछ समय से अगर आप कमर्शियल कोल माइनिंग पर नजर डालें तो 2020 में जब पहला ऑक्शन हुआ था तब से लेकर अब तक जो नेशनल कोल इंडेक्स है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके आधार पर कीमतें तय होती हैं, उसमें वो करीब करीब 2 गुना हो गया है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल बर्डन है वो काफी ज्यादा आ रहा था कंपनीज के ऊपर, जिसकी वजह से उन्हें फंड रेज करने में दिक्कतें आ रही थी ऑपरेशनलाइजेशन के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए
अब ये फैसला हुआ है कि अगर किसी ब्लॉक के लिए जब ओपनिंग लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद ही जो बैंक गारंटी है उसका परफॉर्मेंस रिवीजन किया जाएगा, तो इससे काफी बड़ी राहत मिलेगी वैसी कंपनियों को जिनको कोल ब्लॉक हासिल हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए अब ये भी फैसला लिया गया है कि जो सिक्स्थ राउंड के लिए बोली मंगाई जाएगी उसकी तारीख 30 जनवरी 2023 तक रहेगी। तो जाहिर तौर पे इससे ये उम्मीद की जा रही है कि जो कंपनियां उम्मीद लगाए बैठी थी कि कुछ राहत मिलेगी, वो राहत मिल गई है और ये तारीख बढ़ाने से ज्यादा कंपनियां जो है वो कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगी। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मुंबई करों को जल्द मुंबई मेट्रो में 2A और 7 लाइन की सौगात मिलने वाली है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी 19 जनवरी को करने वाले हैं। यानी कि अब साफ है कि मुंबई वासियों को ट्रैफिक की समस्या से और निजात मिल सकता है। ज़्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी ऐश्वर्या। ऐश्वर्या बताइए। ट्रायल रन्स इस वक्त चल रहे हैं। 19 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है मेट्रो लाइन 2A और मेट्रो लाइन 7 इनॉग्रेट करने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हैं रूट मैप है मेट्रो लाइन 2A का और मेट्रो लाइन 7 का। ये जो है अंधेरी वेस्ट से दहीसर ईस्ट है येलो लाइन विच इज़ द मेट्रो लाइन 2A और दहीसर से लेके गुंडावली स्टेशन जो मेट्रो लाइन 7 है वो रेड लाइन है। अब ये सारी ये ऑपरेशनल हो जाएंगे जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 19 तारीख को इसे इनॉग्रेट करेंगे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इमरजेंसी इंटरकॉम है जिससे आप पायलट से इमरजेंसी होने पर बात कर सकते हैं और काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चार्जिंग पॉइंट्स भी है मेट्रो स्टेशन के अंदर। तो आई एम श्योर मुंबईकर्स बहुत एक्साइटेड है इस इनॉग्रेशन को लेकर। और अगली खबर है दिल्ली से, जहां दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर सीबीआई रेड की खबर सामने आई है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनके आवास पर छापेमारी की गई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मेरे लॉकर तलाशे गए, मेरे गाँव तक छानबीन करा ली, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिल सका क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सिसोदिया के बयान पर अब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट देखा, आम आदमी पार्टी की तो फितरत बन चुकी है। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट करो, बी फॉर भ्रष्टाचार करो, सी फॉर कवर अप ऑफ करप्शन करो झूठ बोलकर, और डी फॉर डायवर्जन करो विक्टिमहुड कार्ड खेलकर। अब वही काम, झूठ बोलना, आधा अधूरा सच सामने रखना, आधी अधूरी झूठी बात सामने रखना और डायवर्जन करना विक्टिमहुड कार्ड खेलकर, क्योंकि भ्रष्टाचार तो किया है। अगर घबराने वाली बात नहीं है तो इंक्वायरी से कैसा डर, और हर इंक्वायरी को किस प्रकार से विक्टिमहुड कार्ड की तरह प्ले करना, ये कोई आम आदमी पार्टी से सीखे। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी मिली। अज्ञात शख्स ने नागपुर ऑफिस में एक घंटे में 3 बार फोन करके ये धमकी दी। जानकारी के मुताबिक फोन करने वाले शख्स ने फिरौती की मांग भी की है। शिकायत के बाद पुलिस ने फोन करने वाले का फोन ट्रेस कर लिया। वहीं पुलिस अब आरोपी शख्स की गिरफ्तारी में की कोशिश में जुटी है। सुबह से 3 कॉल आए थे, उसके ऊपर जो सिक्योरिटी पर्पज जो ध्यान देना है वो पुलिस कर रही है, और उनका जो जहाँ से कॉल सीडीआर निकल के कहाँ से कॉल आ रहा है वो हमारे क्राइम बेंच काम कर रही है। जो उनकी रेगुलर सुरक्षा है उसमें ही बढ़ोतरी की है, जो जहाँ के प्रोग्राम है वहाँ के भी सिक्योरिटी में बढ़ोतरी की है। मुंबई के बाद अब दिल्ली चलते हैं। दिल्ली वासियों को शीतलहर कोहरे के साथ अब लगातार खराब होते एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI की परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जिसके बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सिर में दर्द की भी समस्या शुरू हो चुकी है। डॉक्टर्स ने लोगों से मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलने की अपील की। दिल्ली में प्रदूषण है, ठंड ज़्यादा है, कहीं भी आग तापने के लिए या कोई व्यवस्था नहीं है। दिक्कत कुछ नहीं है, बस वही सर्दी का माहौल है, और उसके बाद में जहाँ भी आग जलती हुई मिलती है वहाँ ताप लेते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी चला लेते हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार कम है पोल्यूशन दिल्ली के अंदर।
पहले ज्यादा था, इस बार कम है। और पंजाब में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जलंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का निधन हो गया। बता दें कि यात्रा के दौरान वे राहुल गांधी के साथ ही चल रहे थे, इस दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और मौके पर उनका निधन हो गया। वहीं सांसद के निधन के बाद फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई। ये यात्रा अब आज लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा से फगवाड़ा की तरफ जा रही थी। इन्ना सिंसेरिटी वाला व्यक्ति और कांग्रेस को प्यार करने वाला व्यक्ति चला जावे तो सानू इस गल का बहुत वड्डा घाट है जी। आज की यात्रा पोस्टपोन्ड है और मेरे को लगता है कि सब लीडर्स की ये इच्छा है और राहुल गांधी जी खुद की भी इच्छा है, बट डिस्कशन इज गोइंग ऑन कि कल अंतिम संस्कार के बाद यात्रा स्टार्ट करेंगे, बिफोर अंतिम संस्कार किसी प्रकार की यात्रा नहीं होगी। और अब बात करते हैं जोशीमठ की। फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहां पर प्रारंभ कर दिया है, कल से ही प्रारंभ हो गई है। जनजीवन वहां का सामान्य है, 60% से ज्यादा चीजें सामान्य रूप से चल रही हैं और हम जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। जोशीमठ पिछले 12 दिन में करीब 5 सेंटीमीटर और धस गया है। इसरो ने जोशीमठ के धसने की तस्वीरें भी जारी की। वहीं जोशीमठ पर आई तमाम रिपोर्ट्स और स्टडी के बीच साइंटिस्ट की एक टीम जोशीमठ में मिट्टी का परीक्षण कर रही है। दूसरी ओर असुरक्षित निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर नाराज रहवासियों ने प्रदर्शन करते हुए दुकानों और घर के बाहर गो NTPC गो के पोस्टर चिपका दिए हैं। अभी तक इतने दिनों में कोई भी कंक्लूसिव रिपोर्ट सरकार नहीं दे सकी है कि NTPC की जो वजह से जो नुकसान हो रहा है वो कितना है और कितना होगा। इसको लेकर लोग लगातार यहाँ दुकानदार जो है स्थानीय विरोध कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, हम देख रहे हैं हर दुकान पर NTPC गो बैग के लगे हुए हैं, किस तरीके का विरोध आप लोग का? बहुत ही साधारण और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या इसको सुन रही है? सरकार इसके ऊपर वैसे अमल तो कर रही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। और ये शहर जो है आज जो हमारा जो मेन खतरा जो मंडवा रहा है वो सिर्फ ये NTPC की वजह से जो है ये हमारा शहर बैठ रहा है। मेन जो है इसके नीचे जो सुरंग जो जा रही है इसने हमको जो है पूरे शहर को इसने डैमेज कर दिया है। इस वजह से हम लोग जो है स्थानीय लोग जितने भी हैं हम लोग काफी जो है परेशान हैं। ये हमारी जो है नर्सिंग भूमि, हमारी ये जो है जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो है जगह है, ये सब इन लोगों ने जो है इसको विनाश कर दिया। और भी लोग हैं, किसी लायक नहीं छोड़ा। और भी आप भी हैं स्थानीय बाजार से हैं, क्या बोलेंगे आप लोग? बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से NTPC के वापस जाने की बात करें, सरकार ने अब तक इस पर क्या बोला है, आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? अभी तो सिर्फ जो है कुछ नहीं है नजर आ रहा है हमें तो ये सुनने में आ रहा है कि भाई अब जो है यहाँ से जो है छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब हमारा बचपन से ही जन्मजात यहाँ हो रखा है तो हम इस जन्मभूमि को कैसे छोड़ के चले जाएं? जहाँ से हमारा सब कुछ हो रहा है, व्यापार है, छोटे बड़े सब हो गए हैं, हम अब कैसे छोड़ देंगे इस जगह को? और गंगा विलास और जोशीमठ के असुरक्षित निर्माणों के खिलाफ भी प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। जोशीमठ में आई आपदा में सबसे ज्यादा खतरनाक रूप से नुकसान में पहुंची होटल की दो बिल्डिंग को डिसमेंटल करने का जो पूरी प्रक्रिया है वो लगातार तीसरे दिन भी जारी है। और आप तस्वीरें हम जो देख रहे हैं लगातार CBRI की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है होटल्स के जो सबसे हल्के हिस्से हैं उनको हटाया जा रहा है। अगर आप होटल मलारी को देखें तो जो इसका सबसे ऊपरी हिस्सा है उसमें जो टीन शेड थे, खिड़कियां थीं, वो हटा दिया गया है। नीचे की अगर आप होटल भी देखें जो कांच था वो पूरा हटा दिया गया है। उसके बगल का जो माउंटफी होटल है वहां से भी ऊपरी जो स्ट्रक्चर था जो कि अलग से था उसको हटाया जा रहा है।
और ये पूरी प्रक्रिया दिन ब दिन ज्यादा वक्त लेगी, क्योंकि इसके लिए किसी भी तरह के वाइब्रेटर्स या किसी भी तरह के बुलडोजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और हैमर्स के जरिए, कटर्स के जरिए ही लगातार जो है वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के दिशा निर्देश में ये पूरे बिल्डिंग को डिसमेंटल करने का काम लगातार जारी है। और जिस तरह से लगातार मौसम बदल रहा है, बारिश बीच बीच में होती रहती है, ऐसे में कोशिश प्रशासन की तरफ से है कि जल्द से जल्द इन बिल्डिंगों को डिसमेंटल किया जाए, क्योंकि इसका जो नुकसान है वो नीचे बने आवासीय परिसर को भी पहुंच रहा है, जिनको पहले से ही खाली जरूर करा दिया गया है, लेकिन इस बिल्डिंग की अत्यधिक ऊंचाई की वजह से, जो कि तकरीबन 7-8 मंजिल नियमों को ताक पर रखकर बना दी गई, उसका खामियाजा जो है कई लोगों को जरूर भुगतना पड़ा है। हालांकि प्रशासन जो है लगातार इस तरह के जो आवास हैं जिनको तोड़ने की जरूरत है उसकी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ रही है, बाकी लोगों को घरों से उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। वहीं तकरीबन 8 से ज्यादा केंद्रीय जांच टीमें जो हैं वो इस वक्त जोशीमठ में पहुंची हुई हैं। आज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की भी टीमें पहुंची हैं, जो अलग अलग जगहों पर यहां पर ऑपरेटर सेट करके जो मिट्टी की रेजिस्टिव पावर है उसको टेस्ट करेंगी कि क्या जोशीमठ में अब इस तरह की आबादी रहने के लिए बेयरिंग कैपेसिटी बची है या नहीं बची है। और फिलहाल आपदा में राहत और बचाव का कार्य जोशीमठ में लगातार जारी है। और अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं कुछ और भी खबर का। और गंगा विलास क्रूज कल यानी 13 जनवरी को अपने 3200 किलोमीटर के सफर पर निकल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे जल मार्ग तय करने वाले गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्रूज वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए आसाम के डिब्रूगढ़ तक का सफर 51 दिन में तय करेगा। क्रूज के 51 दिन की पूरी यात्रा के लिए एक व्यक्ति को करीब 13 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। गंगा विलास के पहले सफर में स्विट्जरलैंड के 31 लोग शामिल हैं और क्रूज पर 40 क्रू मेंबर समेत कुल 71 लोग पहले सफर पर निकले हैं। कैसा है क्रूज और कितनी लग्जरी है इसकी सफर पर जायजा लिया हमारी संवाददाता श्वेता ने। बांग्लादेश और भारत के अलावा विभिन्न राज्यों और कई नदियों को क्रॉस करता हुआ 51 दिनों का जो अपना सफर है ये क्रूज पूरा करने वाला है। जो 32 पर्यटक है इसमें जो स्विट्जरलैंड से आए हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस पूरी यात्रा को लेकर के, क्योंकि बनारस की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो वैसे ही उन्हें हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करती रही है। और ऐसे में इस कल्चर के साथ साथ उन्हें जो यहाँ लग्जरी अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्रूज है उसे 5-स्टार रिजॉर्ट के स्टाइल में इंटीरियर इसका किया गया है। फिर चाहे रूम्स की बात करें, हम जो लाउंज है उसकी बात करें, जो ये टॉप फ्लोर है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं इसकी बात करें, पूरा एरिया बनाया ऐसा गया है कि वो आराम से यहाँ पर बैठ करके, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ जो फॉरेनर्स हैं वो कैसे यहाँ आनंद ले रहे हैं इस धूप का, जो सर्दी की गुनगुनी धूप है उसका आनंद ले रहे हैं, गंगा की लहरों को देख रहे हैं। यहाँ पर ही उन्हें सब कुछ सर्व हो जाएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है इस पूरे क्रूज को। ये जो जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये इसका टॉप फ्लोर है क्रूज का, और जाहिर तौर पर ये सबसे अच्छा व्यू यहाँ से आता है, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर के आप गंगा की लहरों को निहार सकते हैं और अलग अलग नदियों को होकर जब ये क्रूज गुजरेगा अलग अलग नदियों को आप देखेंगे। यहाँ पर बकायदा उनको ये भी कहा गया है कि उनको हर बात की जानकारी दी जाएगी, जब जहां से ये क्रूज गुजरेगा उसकी क्या खासियत है, क्यों उस जो पूरा रोड मैप है उसको तैयार किया गया है वो उन्हें बताया जाएगा। और ये जो घाट है बद्रीनारायण घाट को इस वक्त, त्रिलोचन घाट को हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं, गाय घाट को हम क्रॉस कर चुके हैं, इस क्रूज पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, तो जाहिर तौर पर ये खुद अपने अनुभव से कह सकती हूं कि बहुत ही अलग एक्सपीरियंस इन तमाम पर्यटकों के लिए होने जा रहा है। 51 दिन तकरीबन लगेगा इसको डिब्रूगढ़ पहुंचने में, लेकिन उससे पहले जिन जिन पड़ाव पर ये क्रूज होकर गुजरेगा वो हमेशा इनके जहन में ताजा रहेगा। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का आनंद ले चुके हैं या लेने के लिए बाहर जाते हैं, अब उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब काशी से डिब्रूगढ़ का जो ये लंबा क्रूज है ये उनको तमाम वो अनुभव यहीं पर दे देगा।
और हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार जीत के साथ शुरुआत की। अपने पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने स्पेन को 2-0 से रौंद दिया। अमित रोहिदास ने जैसे ही 12वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर पहला गोल किया, दर्शकों के शोर से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। भारत के लिए दूसरा गोल 26वें मिनट में हार्दिक सिंह ने किया, जो अकेले गेंद को लेकर सर्कल में गए थे। हालांकि जीत का अंतर अधिक भी हो सकता था, लेकिन भारत ने 5 में से 4 पेनाल्टी कॉर्नर गवाए। अब 15 जनवरी को टीम इंडिया का मुकाबला होगा इंग्लैंड की टीम से। इंग्लैंड ने भी अपने पहले मैच में वेल्स को मात दी है। और अब जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको माता वैष्णो देवी के दरबार में हो रही बर्फबारी की शानदार तस्वीरों के साथ। सीजन की पहली बर्फबारी में मां के दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के भीतर जोश ला दिया। भक्त मां के दर्शनों का लाभ तो पा ही रहे हैं, साथ ही सीजन के पहले स्नोफॉल का लुत्फ भी उठा रहे हैं।